हेलो एंड वेलकम बैक टू द आशीष फोटोग्राफी चैनल। गाइस मेरे को प्रीमियर प्रो चलाते हुए 2 साल हो गए एंड वहीं पर डाविंची रिजल्व भी चलाते हुए 1 साल हो गए। तो मैं अभी प्रीमियर प्रो से डाविंची रिजल्व को स्विच कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसके रीज़न क्या है, मैं क्या कम्प्लीटली स्विच कर चुका हूँ डाविंची रिजल्व को, उसके वजह क्या है, ये सारे के सारे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट रखूँगा जहाँ पर कि मैं डिस्कस करूँगा मैं प्रीमियर प्रो से डाविंची को क्यों स्विच किया एंड मेरे को क्यों क्या ऐसे ज़रूरत पड़ा कि मैं प्रीमियर से डाविंची को स्विच करा, तो उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो मैं अभी क्या प्रीमियर प्रो से कम्प्लीटली डाविंची रिजल्ट को स्विच कर गया हूँ, तो इसका आंसर है नो, मैं कम्प्लीटली स्विच नहीं किया हूँ। एंड प्रीमियर प्रो में ऐसा कुछ चीज़ है जो कि डाविंची में नहीं है, लेकिन मैं अभी मेरा टोटल एडिटिंग का बहुत सारे काम मैं डाविंची में ही करता हूँ। जस्ट सिर्फ कितने 2-3 फीचर्स के लिए मैं प्रीमियर में जाता हूँ, नहीं तो मैं मेरा हर काम डाविंची में करता हूँ। पहले मैं प्रीमियर प्रो पे मेरा सारा काम करता था, अभी मैं डाविंची को शिफ्ट कर गया हूँ, लेकिन सिर्फ 2-3 ऐसा इफेक्ट्स है जो कि मैं प्रीमियर से ही प्रीफर करता हूँ। ओके, तो मैं प्रीमियर से डाविंची को क्यों शिफ्ट किया, इसके कुछ रीजन से 5 रीजन यहाँ पर रखने वाला हूँ। ओके, जो पहला पॉइंट है वो है प्राइस एंड कॉस्ट। प्राइस एंड कॉस्ट में देखोगे तो आपको प्रीमियर प्रो $30 पर मंथ के हिसाब से आपको परचेस करना पड़ता है, वहाँ पर डाविंची रिजल्व को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओके, okay, प्रीमियर प्रो को अगर आप 1 साल के लिए परचेस कर रहे हो तो आपको $360 पड़ रहा है, वहाँ पर अगर आप डाविंची रिजल्व को परचेस कर रहे हो तो आपको फ्री में मिलता है। अगर आपको कुछ एडवांस टेक्निक यूज़ करना है डाविंची रिजल्व में, कुछ ऐसे मास्किंग वगैरह का जो एडवांस वर्सन होता है, उस सारे को आप सारे फीचर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको डाविंची रिजल्व का स्टूडियो वर्सन मिल रहा है, वो आपको $300 पर लाइफ टाइम के लिए आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है। ओके, वहाँ पर अगर आप $360 पे करके आपको 1 ईयर के लिए ही सब्सक्रिप्शन मिलता है प्रीमियर प्रो का, वहाँ पर $300 पर आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए ही फ्री मिलता है। तो यहाँ पर डाविंची रिजल्व विन करता है प्रीमियर प्रो से, प्राइस एंड कॉस्ट इफेक्टिव है डाविंची रिजल्व प्रीमियर प्रो से। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है ईज़ टू यूज़। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है जो हमको ईजी बहुत ही लगता है, जो हमारा टाइम को बचाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर प्रीमियर में क्या होता है, अगर आप कुछ अडोबी का अगर आप क्लाउड सब्सक्रिप्शन लिया है तो यहाँ पर आपको आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप ये सारे भी आपको मिल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट, यहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा कुछ काम होगा जहाँ पर कि आपको ग्राफिक्स हो गया, अगर आप अडोबी क्रिएटिव क्लाउड अगर परचेस करते हो जो कि $51 पर मंथ होगा शायद, तो वहाँ पर आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भी मिलता है, फोटोशॉप भी मिलता है। अगर आपका प्रीमियर में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर कि आपको आफ्टर इफेक्ट भी डालना पड़ रहा है, फोटोशॉप का भी कुछ ऐसे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर ऐड कर रहा है, लट्स वगैरह ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको डायनामिक स्विच का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। तो आप इजीली स्विच कर सकते हो अडोबी आफ्टर इफेक्ट से प्रीमियर को, फोटोशॉप से प्रीमियर को, ये सारा का स्विचिंग, डायनामिक स्विचिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है जो कि डाविंची में नहीं है। तो यहाँ पर प्रीमियर विन करता है एज़ कम्पेयर टू डाविंची। ओके, तो प्रीमियर में क्या होता है, आपको एडिटिंग टैब में सोर्स पैनल, प्रोजेक्ट पैनल एंड टाइमलाइन, सारे के सारे पैनल्स एंड बटन्स आपको दिखने को मिल जाते हैं। आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इफेक्ट सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप अगर आप उसका वीडियोज़ का पोजिशन साइजेस वगैरह चेंज करना है, रोटेशन वगैरह एंड सारे इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो एक ही पैनल पर सारे के सारे एडिटिंग टैब्स के अंदर। लेकिन अगर हमें डाविंची में अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो डाविंची में क्या होता है, अगर आपको पोजीशन वगैरह चेंज करना है, स्केल्स रोटेशन से वगैरह चेंज करना है, तो आपको कट पेज में जाना पड़ता है, आपको स्विच करना पड़ता है एडिटिंग टाइप से कट पेज में जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट वगैरह डालना है तो और एक पेज है वहाँ पर आपको स्विच करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बार बार आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। आपको डाविंची में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ बेसिक्स ऑप्शन ही आपको एडिटिंग टैब के अंदर गिवन है। अदरवाइज आपको ऑडियो टैब्स कट टैब्स मीडिया टैब्स यहाँ पर आपको स्विच करना बार बार पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस की बात है प्रीमियर विन करता है यूज़र इंटरफेस के बारे में। ओके
ओके, उसके बाद आता है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग में क्या होता है, डाविंची रिजॉल्व इज नोन फॉर द कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। डाविंची रिजॉल्व में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं जो कि प्रीमियर में उतना तो ऑप्शंस नहीं है। ओके, प्रीमियर में क्या होता है, सिर्फ आपको बेसिक कंट्रोल्स के लिए ही ऑप्शन गिवेंस है, लेकिन डाविंची में आपको बहुत सारे एडवांस वर्सन भी गिवेंस है। यहाँ पर आप बहुत सारे आपको ऑप्शन गिवेन है जहाँ पर आप मल्टीपल कलर ग्रेडिंग के आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं। ओके, डाविंची में क्या होता है, आपको यहाँ पर कर्व से लेकर आपको बेसिक करेक्शन, लिफ्ट शिफ्ट काम है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पर नोट्स पे काम करते हो तो आपका काम का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस मैनर में रहता है एज कम्पेयर टू प्रीमियर। प्रीमियर में क्या होता है, हम लेयर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर नोट्स पे काम कर रहे हैं, तो नोट्स में ज़्यादा प्रिफरेबल है एज कम्पेयर टू लेयर्स, बिकॉज अगर आपका कहीं पर गलती हो गया तो आप उस नोट्स को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर लेयर डिलीट कर देने से आपका जो प्रीवियस लेयर है वो सारा दिक्कत आ जाता है, तो यहाँ पर नोट इज़ मोर प्रिफरेबल देन लेयर। सो डाविंची इज यहाँ पर विन करता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी दिखने को मिल जाते हैं जो कि प्रीमियर में नहीं है, तो ऑब्वियस की बात है कलर ग्रेडिंग में डाविंची ही विन करता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो कि डाविंची पर ही एडिट होता है, एंड डाविंची इज़ रियली वेरी वेरी गुड फॉर द कलर ग्रेडिंग। सो यहाँ पर डाविंची विन करता है। एंड उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो है स्पीड एंड इश्यूज़। ओके गाइस, मैंने प्रीमियर भी बहुत अच्छे से यूज़ किया हूँ एंड डाविंची भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हूँ। तो प्रीमियर में क्या होता है, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैग दिखने को मिलता है एंड बहुत सारे इश्यूज़ भी आपको दिखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यू आ रहे हैं। ओके, आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर ख़राब हो जाता है। एंड डाविंची में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ एडिटिंग आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्या होता है, आपका कुछ ऐसा डर नहीं रहता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पर डिलीट नहीं हो जाएगा, कुछ इश्यूज़ नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व में बहुत ही कम इश्यूज़ आते हैं, आपका प्रोजेक्ट का कुछ भी ऐसा मतलब डिलीट हो जाने का डर नहीं रहता है। आपका प्रोजेक्ट अगर आप सेव नहीं भी कर रहे हो, अगर आप क्लोज भी कर दे रहे हो विंडो, तो वो प्रोजेक्ट आपको सेव ही मिलता है। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीमियर में नहीं होते, प्रीमियर में आपको सेव करना पड़ता है वो, फिर सेव में बार बार क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, सेव में वो प्रोजेक्ट सेव नहीं रहता, वो किसी कारण की वजह से वो डिलीट हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये डर नहीं रहता है डाविंची में ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहा है एंड डाविंची में बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आप एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्वियस की बात है डाविंची इज़ मोर प्रिफरेबल देन प्रीमियर। सो ये मेरे 5 पॉइंट्स थे, जैसे कि मैंने 2-3 पॉइंट्स बोले जहाँ पर कि प्रीमियर मोर प्रिफर। ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, इजी टू यूज एंड यूज़र इंटरफेस, यहाँ पर प्रीमियर विन करता है, लेकिन मेरा जो 3 मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर डाविंची ही विन करता है, तो इसलिए मैंने प्रीमियर से डाविंची को स्विच किया हूँ। एंड आप कौन से वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, प्रीमियर या डाविंची, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। एंड ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।